question. जो उन्होंने लिए है
ये ईवीएम में घोटाला करके सत्ता लिए थे। इसके पहले जिन जिन देशों में ईवीएम था, इसका आविष्कार करने वाला जापान, इसमें अमेरिका, इसमें यूके, इन तमाम जगहों में से पहले इलेक्शन का वोटिंग जो ईवीएम से हुआ था, लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है और ये हैक होती है, उन लोगों ने उसको बंद कर दिया और बैलेट पेपर से उन्होंने वोटिंग करना शुरू किया। आज भारत की जो सरकार जो बनी है, ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के माध्यम से। मुझे ये बताइए, 5 साल में ये बीजेपी हुकूमत ने क्या किया है? डिमोनेटाइजेशन फेल, जीएसटी फेल, दहशत का माहौल, सब आतंकवाद का माहौल पूरा है। ये लोगों ने पसंद किया है, ये पसंद करके लोगों ने वोट दिया है। बिजनेस खत्म, इधर पैसा नहीं, मार्केट में पैसा नहीं, महंगाई बढ़ रही है। मुझे एक बताओ पॉजिटिव काम के जिसके वजह से लोगों ने बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाया। एक पुलवामा का रिप्लाई देने के लिए, क्या उसके लिए उसको सत्ता में लाएंगे? उसको पुलवामा कराया गया, ये कई लोगों ने कहा, हुआ नहीं, कराया गया है। और जहां पर वो बम मारे गए वहां पर एक आदमी नहीं था, ये भी रिपोर्ट है, हमने पढ़ी। ये डूरा कुश्ती हुई है और डूरा कुश्ती में वोट नहीं मिले। तो ये सब ईवीएम का गेम था जो बना है, और अब हम ईवीएम से मतदान होने नहीं देंगे, इसके लिए आंदोलन खड़ा किया है। और वक्त पड़ने पर हम ईवीएम का बहिष्कार करेंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहेंगे कि ईवीएम के वोटिंग को बहिष्कार करें और कोई उम्मीदवार खड़ा ना करें। बीजेपी को जीतना है तो उनको वन साइड फॉर्म, उनको फॉर्म भरने दो और वन साइड अनअपोज जीत के आने दो। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन के प्रोसेस में भाग नहीं लेना चाहिए जब तक के ये बैलेट पेपर से वोटिंग होती नहीं है। इसके लिए हमने आंदोलन की एक दिशा बनाई है, वो दिशा हम बहुत जल्दी आपके सामने पेश करेंगे, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ये थे एसीपी संजय पठान जो रिटायर हो चुके हैं। अब आइए जानते हैं जिन्होंने आज मीटिंग का आयोजन किया है, उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर जो है ये मीटिंग बुलाई है, इसके बाद में ये आंदोलन चलेगा या ये आंदोलन यहीं पर खत्म हो जाएगा? आप लोग क्या बोलेंगे? भारत देश में हर नागरिक बोलता है ईवीएम में घोटाला है। भारत देश में कोर्ट में जाने के बाद एक आदमी भी जाता है तो उसकी सुनवाई होती है। तो करोड़ों लोग बोल रहे हैं ईवीएम में घोटाला है, तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं मान रहा है कि हमको ये इसको हटाना है? वो जिद कर रहा है कि बैलेट पेपर छोड़कर ईवीएम मशीन को वापस हमारे गले में मार रहे हैं। जब भारत देश में लोकशाही तंत्र है, लोकशाही है, तो ईवीएम हटाना जरूरी है। जब हमारा विश्वास नहीं, लोग जाते हैं एटीएम में जाते हैं, पैसा निकालते हैं और पैसा गिनते हैं, क्योंकि उनका उसके ऊपर भी भरोसा नहीं है। जब हम लोकशाही के माध्यम से अपना आदमी चुन के लाना चाहते हैं, हमारा उम्मीदवार चुन के लाना चाहते हैं, जब वो मशीन के ऊपर बटन हम दबाते हैं, लेकिन हमको क्या मालूम वो किसको वोट जाता है? हम बोल नहीं सकते किसको वोट जाता है। जब हम नोट गिन के लेता है तो हमको ये भी जानकारी होना चाहिए कि हम वोट किसको दिया है, कब दिया है, उसका टाइम टेबल भी आना चाहिए। ये कुछ नहीं इसमें, हम बस में सफर करते हैं, बस वाला हमको टिकट देता है, बस के टिकट के ऊपर टाइम भी आता है, कहाँ से कहाँ जाना है उसका भी टाइम टेबल आता है। इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, हम इसका बैन होना चाहिए। और बैलेट पेपर के ऊपर आए हैं वो बताएंगे कि इलेक्शन में खड़े हुए थे, आप बताएं मुझे आपको वहाँ पे जो है क्या लगा ईवीएम के बारे में? रायगढ़ लोकसभा मध्ये आलो होतो उमेदवार, पर मला ज्या ठिकाणी मशीनमध्ये मला वोटिंग झाली होती, माझ्या सतरात्री मतदान होता, तिथे मला मतदान झिरो दाखवला। उदाहरणार्थ माझ्या नातेवाईकाने, माझ्या रिश्तेदाराने, माझ्या मित्रमंडळीने मला तो मतदान केला होता, जेणेकरून माझे बहीण वगैरे गावावरून म्हणजे मुंबईवरचे खास मतदान करणाऱ्या गावी गेले होते, त्यांचा देखील ते मतदान ईवीएममध्ये मशीन ॲड झाला नाही, त्यांचा मतदान झिरो झाला। माझ्याकडे लिस्ट आहे, ती मला निवडणूक आयोगाने मतदानाची लिस्ट दिली आहे, म्हणजे तुम्हाला कोणत्या लाभ पाठवली? या की राजा जनता आहे, जनता एक इस चीज को मानना है, तो इसमें जनता की डिमांड पूरी करो। अगर आप सही हो, या ये देश का जो भी सिस्टम है वो अगर सही है, तो जनता की माने ना। अगर आप लोग को इतना भरोसा है कि नहीं लोगों ने आपको मत दिया है और आप फिर भी बिल्कुल सही हो, तो बैलेट पे भी वो लोग आपको वोट देंगे। आप ईवीएम मशीन के लिए अगर जीत कर रहे हो तो माने से बात है, कहीं ना कहीं आपकी जीत पर ईवीएम मशीन का कनेक्शन है। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, आपकी जनता आपकी एकदम श्योर है, जो भी परसेंटेज ऑफ वोट्स है, जो भी मतदान का जो भी प्रतिशत है, अगर वो बिल्कुल सही है, तो बैलेट पे देने में क्या है?
वो जो जनता आपकी बटन दबाती है वही जनता आपको स्कैन भी करेगी बैलेट पेपर के ऊपर, सही गलत का मुद्दा खत्म। अगर बैलेट पेपर पे एक टर्म आपको इलेक्शन करा के दिखाइए, अगर बैलेट पेपर के ऊपर भी आपका यही रेशो, यही मतदान का आपका परसेंटेज अगर आता है तो फिर ठीक है, लाइफ टाइम आप ईवीएम ही रखो, कोई आपको मना नहीं कर रहा। लेकिन असल जो चीज है इसके अंदर सबसे अहम बात जो है कि आज हर बड़े देश के अंदर जो इसको इन्वेंट किया है, जापान में उसने बैन कर दिया है, और तमाम तरक्की याफ्ता मुल्क हमें कपड़ा भी पहनते हैं जो अमेरिका और ब्रिटेन को फॉलो कर रहे हैं। तो आप बताओ, ये आप खड़े हुए थे इलेक्शन में, तो आपको क्या लगा ईवीएम के बारे में, किस तरह से करना चाहिए, आप बताओ। अभी भी मेरे को वोट दिखा, अभी भी खड़ा हो तो अभी भी मेरे को वोट दिखा है, इसीलिए मैं ये विधानसभा में आया। और अब तो ये ईवीएम मशीन का उनको वैसा डाल तो वैसा लेना, आपको ईवीएम चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए आगे टाइम। अभी आप देख सकते हैं कि हम मुंबई मराठी पत्रकार संघ आजाद मैदान बोरी बंदर यहाँ पर जो है खड़े हैं, और यहाँ पर कई एमपी के इलेक्शन में जो खड़े हुए थे उन लोगों ने भी कहा है, और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने कहा है कि इनको ईवीएम पे भरोसा नहीं है। तो वाकई में क्या ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, इसके बारे में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और अदर पार्टी को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्या वाकई में इसमें गड़बड़ी होती है क्या। ये बात उठती है और फिर वापस से बैठ जाती है। तो अभी ये लोगों का ऐसा बोलना है कि अब हम बैठेंगे नहीं, और हमारे साथ में एक बहुत बड़ा शख्सियत रखने वाला इंसान जो इंडिया में पूरे फेमस है वो इनके साथ में जुड़ने वाला है। अगर वो अभी इनका नाम तो नहीं बता रहे लोग, लेकिन अगर वो इनके साथ में जुड़ता है तो ये आनंद कितना बड़ा होगा इस पर हम नजर रहेंगे, और हम हमेशा C24 न्यूज़ की तरफ से इसको कवर करते रहेंगे। C24 न्यूज़ के लिए साजिद कुरैशी, कैमरामैन